चबरा पौधा में पढ़ता हूँ। ये देखो हमारे स्कूल की हालत क्या हुई है, ये देखो पर्स की हालत क्या हुई है, पर्स टूटा हुआ है। हम कहाँ बैठे, दीवारों से पानी आता है, दीवारों पे दीवारें पड़ी हुई हैं, ये पर्स भी टूटा हुआ है, ये देखो ये यूं पड़ा हुआ है नीचे, ये पार्सी का कमरा है, इसकी पर्स के अंदर का ये सारा पर्स टूट गया है, ये दीवार कभी भी गिर सकती है, ये दीवार, ये देखो ये दीवारों पे खड्डा किया हुआ है, ये देखो तीन की स्कूल की चादर गिरने वाली है, ये देखो ये मजबूत पूरा टूटने वाला है, ये देखो फर्श पूरा टूट गया है, ये देखो दीवारों पे खड्डा किए हुए हैं, सर से पानी गिरा, हम कहाँ बैठे हैं मोदी जी, फर्श भी टूट गया है, ये बारिश आई है, स्कूल कभी भी स्कूल गिरने वाला है, हमारा चैन है, यहाँ बच्चे बैठी। छोटे नन्हे बच्चे जो तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से आप वीडियोस बनाकर सरकार तक या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि इन स्कूलों की हालत देखिए। स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली को लेकर अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की तरफ से आवाज़ें बुलंद की जाती हैं। खिताए पीर पंजाल की अगर बात की जाए तो पीर पंजाल खिता में भी कुछ ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, लेकिन मुतलका महकमा और कंसर्न्ड ज़िला इंतज़ामिया की इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं है। अगर पीर पंजाल के कुछ हिस्सों के जो स्कूलों की बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो वो बिल्डिंगें खस्ता हालत से दो चार हैं, बरसात के मौसम में पानी टपकता है। और अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब आम लोगों की तरफ से इन स्कूलों की बदहाली को लेकर या स्कूलों की खस्ता हाली को लेकर आवाज़ें बुलंद की जाती थी, लेकिन अब कुछ नया तरीका अपनाया जा रहा है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से अब वीडियोज़ बनाकर सरकार तक या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाती है कि इन स्कूलों की हालत देखिए। जहां आप तालीम को बेहतरीन तरीके से तालीमी निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स को अमली जामा पहना रहे हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स की हालत जो है उसकी तरफ किसी भी की तवज्जो नहीं है। यह वीडियो जो आपके जो आप देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल जबड़ा पोठा सुरनकोट की है, जिस इस स्कूल का बच्चा, छोटा सा नन्ना सा बच्चा, जो प्रधानमंत्री से अपील कर रहा है कि स्कूल की हालत देखें, बरसात के दिनों में पानी जो छत से टपक रहा है और पानी जो स्कूल के अंदर आ जाता है, जिस कारण इन बच्चों को बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुतलका महकमा गहरी नींद में है, इन खस्ता हालत से दो चार स्कूलों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है। यह कंडीशन जो है मिडिल स्कूल जबड़ा पोठा सुरनकोट की है, ये तस्वीरों में आप देखें इस स्कूल की क्या हालत है। छत पे आप देखें कि छत किस क्वालिटी का है, जब हल्की सी बारिश हो जाती है तो ये छत टपकना शुरू हो जाता है और बच्चों को पढ़ाई हासिल करने में बेशतर मुश्किलात से दो चार होना जो है पड़ रहा है। ये छोटा बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से अपील कर रहा है कि इस बच्चे इस स्कूल की तरफ कोई खास तवज्जो दी जाए, और बच्चे ने ये गुहार लगाई है कि तालीम हमें अच्छी तो मिल रही है, लेकिन इन स्कूलों की बिल्डिंग की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाएँ, ताकि इस स्कूल की हालत भी सुधर सके, ताकि तालीमी निज़ाम को बेहतरीन बनाने के साथ साथ इन बिल्डिंग्स की हालत भी सुधारी जाए। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल जम्मू की किसी एक छोटी बच्ची ने भी स्कूल की हालत को दिखाते हुए एक वीडियो सर्कुलेट की थी, जिसके बाद महकमा हरकत में आया था। लेकिन सुरनकोट की जबड़ा का ये पोठा का ये स्कूल, इसकी हालत आप देख सकते हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि महकमा इस तरफ भी खास तवज्जो देगा और इस स्कूल की हालत को भी जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करेगा। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।